लगा है आज मेरी R15। तो फाइनली गाइज यहाँ खड़ी है अपनी बाइक और यहाँ आ गया रोहन। आज पूरी राइडिंग ड्रेस के अंदर जैकेट वगैरह पहन के आया है, तो अभी ये बाइक पे बैठ के देखेगा। पहले इसका एयर पाउ नीचे लग रहा है, ये नीचे ब्रेक है इसकी। इसी रेस ज्यादा दे पे है। छोड़ दे क्लच, छोड़ दे। वेरी गुड, ले गया भाई, ले गया एक नंबर। हाँ भाई तू भी चलाएगा भाई, भगाने लग गया, देख लो। जी जो है इसके पीछे बैठेंगी यार। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गुरमन व्लॉग्स। तो कैसी अपनी जी नेशन, आई होप यू ऑल आर गुड फिट एंड फाइन। तो गाइज अभी निकल चुके हैं नाइट राइड पे। तो गाइज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना भाई, आज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। जो भी भाई चाहते हैं सोशल मीडिया से पैसा अर्न कर सके, खासकर इंस्टाग्राम से, तो भाई उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज़ ये है कि भाई इंस्टाग्राम ने जो है रील्स मोनेटाइजेशन का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है। देखो भाई, सबसे पहले शॉर्ट वीडियोस जो हैं आप लोगों ने देखा होगा, लोग टिकटॉक पे बनाते थे, टिकटॉक बैन हुआ तो साथ ही इंस्टाग्राम रील्स आ गया, रील्स के बाद आ गया यूट्यूब शॉर्ट्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना भाई आज की डेट में आप देखोगे ना तो वो है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। क्यों? क्योंकि वहाँ से अर्निंग होती है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, लोग उस पर वीडियो ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं। वैसे इंस्टाग्राम ने भी देखा कि भाई ऑडियंस जो है वहाँ पे ज़्यादा जा रही है, ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा भाई, रील्स को जो है ना मोनेटाइजेशन करने का ऑप्शन दे दिया। काफ़ी सारे लोग जो हैं काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई सभी अर्न कर सकते हैं, बट हाँ जिन जिन के पास भाई वो ऑप्शन आ चुका है वो लोग इजीली अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट दे रहा है। ये नहीं कि भाई छोटा मोटा अमाउंट दे रहा हो 10-20 हज़ार रुपये, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा अमाउंट दे रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ न्यूली लॉन्च होती है ना तो ब्रांड्स भी जो है ना भाई उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी टाइम है, आप लोग भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे होगे भाई मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर बोनसेस का ऑप्शन आ गया है, तो ये ऑप्शन सेटिंग में जाके आप भी देख सकते हो। अगर बोनसेस का ऑप्शन आ गया तो इसको एलिजिबल कर लो भाई, क्योंकि जैसे ही आप इसको एलिजिबल कर लोगे आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ही सेटिंग्स में शो करने लग जाएगा कि आप इतने डॉलर तक अर्न कर सकते हो। देखो भाई सबका अलग अलग है, ये इंस्टाग्राम अपने हिसाब से दे रहा है, किसी की लिमिट है कि एक महीने के अंदर वो $1,000 तक अर्न कर सकता है अगर वो वीडियोस वायरल करवाए, अच्छे व्यूज आए वीडियोस के ऊपर। और कई ऐसे बड़े क्रिएटर्स भी हैं जिनको भाई $5,000-5,000 दे रहा है इंस्टाग्राम। $5,000 अगर आप देखा जाए 83 चल रहा है, $1,000 बनता है 82-83,000, तो ये भाई छोटा अमाउंट नहीं है, काफी अच्छा अमाउंट है ये। और जिसको दे रहा भाई $5,000 वो इंसान एक महीने के 4.25 लाख रुपए आराम से कमा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से। देखो भाई पहले तो क्या था, इंस्टाग्राम पे अर्निंग्स वगैरह नहीं होती थी, जो लोग करते थे वो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशंस वगैरह करते थे, ये सब चीजें करते थे। बट अब भाई ये सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं है, आप इंस्टाग्राम से पैसा ले सकते हो। तो कितनी बढ़िया चीज आ गई है ना। बट क्या है ना भाई, ये ऑप्शन सबको नहीं दे रहा इंस्टाग्राम, कई कई लोगों को आया है। तो भाई मैंने सोचा अपनी जो पब्लिक है ना एक बार उसको बता दिया जाए। तो जिस जिसको भाई ऑप्शन आ गया है जाके भाई फटाफट से ऑन कर लो। और गाइस लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, रोहन को मैंने स्कूटी चलानी सिखाई थी राइट, तो उसके बाद से ना भाई मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट आएंगे तो मैं रोहन को बाइक चलानी भी सिखाऊंगा। वो तो आपने बहुत ही जल्दी करवा दिए, तब से भाई वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि भैया मुझे बाइक चलानी सीखनी है एनी हाउ। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो यार आज रोहन को जो है ना भाई बाइक चलानी सिखा देते हैं। तो बाइक जो है ना भाई मेरी इसमें क्रैश गार्ड वगैरह लगे हुए हैं और हम जो जा रहे हैं ना भाई अपनी एकदम सेफ लोकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर ना हमें कोई डिस्टर्ब करेगा ना हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे। और स्कूटी आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही, वो कितनी अच्छी चला लेता है, तो कोई टेंशन वाली बात वैसे है नहीं। गाड़ी चेक करो भाई बिना नंबर प्लेट के जा रही है। तो मैं वही बता रहा था भाई, अब हम जा रहे हैं सीधा रोहन के पास, रोहन को जाके भाई एक बार देखते हैं वो कैसे चला पाएगा या नहीं, क्योंकि यार बाइक थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्लच व्लच छोड़ने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाइक के अंदर। यही प्रॉब्लम अगर अब स्कूटी वगैरह हो ना उसमें नहीं होती, रेस एंड ब्रेक। ऑटोमेटिक गाड़ियों में भी सेम है, रेस एंड ब्रेक, एक बार नोच घुमा दी डी मोड पर डाल दी रेस एंड ब्रेक, कोई भी चला सकता है। बट क्या है ना थोड़ा सा बाइक में क्लच छोड़ना होता है ना, बैलेंसिंग वगैरह करनी होती है,
पर ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक है, हैवी भी है, उसके अकॉर्डिंग हैवी है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो चला लेगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं चला पाता है कि नहीं चला पाता, वो वहीं जाके पता लगेगा भाई। बाकी आप लोगों को बोलूँगा, आप में से कोई भी ट्राई मत करना। अब सीधा लोकेशन पे चलते हैं, वहीं जाके कैमरा ऑन करते हैं। तो फाइनली गाइज, यहाँ खड़ी है अपनी बाइक और यहाँ आ गया रोहन। आज पूरी राइडिंग ड्रेस के अंदर जैकेट वगैरह पहन के आया है। इसको पता है बाइक के साथ जो मेरी लुक भी जो है ना राइडर वाली लगनी चाहिए। तो एक बार बता दो भाई कैसा आउटफिट लग रहा है इसका। तो रोहन अब आ जाओ और बाइक पे बैठ के देख। तो अभी ये बाइक पे बैठ के देखेगा पहले। लो भाई, रोहन बैठ गया बाइक के ऊपर। क्या सूट कर रही है इसके ऊपर बाइक या नहीं, नीचे एक बार कमेंट करके बताओ। रोहन एक बार बाइक सीधी करके देख, स्टैंड हटा। तो देखते हैं ये सीधी कर पाता है या नहीं। स्टैंड हटा दे, पांव लग रहे हैं दोनों नीचे। दूसरा भी लगा, एक टाइम पे एक ही पांव लग रहा है इसका, दूसरा नहीं लग रहा। अगर ये वाला नहीं लग रहा तो ये वाला लग रहा है, ये वाला नहीं लग रहा तो ये लग रहा। आज रोहन एक पांव से बाइक चलाएगा, लोग दो पांव से चलाते हैं, ये एक से चलाएगा। इसका एक पांव नीचे लग रहा है, एक लग ही नहीं रहा। चलो भाई अब मैं इसको थोड़ा सा बाइक का भी बता देता हूँ। रोहन वैसे तुझे क्या क्या पता बाइक के बारे में? जैसे स्कूटी में तेरे को बताया था ना रेस एंड ब्रेक होती है, इसकी ब्रेक जो है ना उस साइड नीचे होती है, ये नीचे ब्रेक है इसकी, और इसके गियर होते हैं, ये जो है क्लच है, मेन चीजें यही हैं, रेस ब्रेक और क्लच। इसका कॉम्बिनेशन तूने बनाना है कैसे देख, यहाँ से बाइक ऑन हो जाएगी, ये हो गई बाइक ऑन, ठीक है। और गियर जो इसका पहला गियर जो है ये देख आगे है, ये देख ये क्लच छूटेगा धीरे 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 धीरे। कुछ नहीं करना, जैसे उसमें बैलेंस बनाते हैं वैसे ही तूने इसमें भी बनाना है, ठीक है। फाइनली भाई रोहन चलाने लगा है आज मेरी R15। ये देख ऐसे, हाँ हल्का सा, हाँ अब न्यूट्रल हो गई। छोड़ दे क्लच, छोड़ दे छोड़ दे, नहीं जाएगी कहीं, न्यूट्रल है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बैलेंस बनाना तुझे आता है क्योंकि तुझे स्कूटी मैंने अच्छे से सिखा दी है। इसमें बस कुछ नहीं है, तेरे को क्लच ही छोड़ना है, ब्रेक बोरी चला लेगा अकेले पक्का। चल डाल पहला गियर डाल, अब धीरे धीरे क्लच छोड़, धीरे 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 रेस दे। थोड़ी सी रेस ज्यादा दे, तू रेस कम दे रहा है, दे 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 दे, डर मत, तू क्या कर रहा है, क्लच जल्दी छोड़ रहा है, स्लोली क्लच छोड़। ये स्कूटी नहीं है, ये बाइक है। वेरी गुड वेरी गुड, धीरे 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 छोड़ दे क्लच, छोड़ दे पूरा छोड़ दे। तो भाई लेके निकल गया बाइक मेरी, देख सकते हो रोहन आराम से बाइक चला रहा है, रोहन देख सकते हो। तो इसकी अभी एक रील भी बनाएंगे, इसकी डिमांड है कि मेरी भैया एक रील बना दो। बगाने लग गया, देख लो। अभी मैं कह रहा था मेरी संगत में मत डालो इसको। आहा, बहुत चंगा ना मैं। हाँ भाई तू भी चलाएगा बाइक, आ जा बाबू तू भी चला ले। ऐसे नहीं रोकते कभी भी, क्लच दबा के रोकते हैं, ब्रेक मारते हैं क्लच दबा के। अभी तो देख बेटा मैंने तेरे को क्लच छोड़ के दे दिया था, तूने चला ली, मुझे पता है बात। अब तू खुद दोबारा से छोड़ के दिखा और चला के दिखा, तब हम मानेंगे कि इसको आती है। धीरे धीरे छोड़ना है जैसे मैंने बताया था। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे धीरे, फिर वही काम, नहीं आई अभी भी नहीं आई बाइक चलानी। ये जैकेट पहनने से आप राइडर नहीं बन जाओगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड, ले गया भाई ले गया, एक नंबर। चलो भाई छोटा भी क्लैपिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, देख रहे हो भाई आराम से चला रहा है। एक राइडर और तैयार हो गया संडे राइड के लिए, बड़ा हरामी हो बेटा। चला रहा है बाइक फाइनली पक्का। तो गाइस अब जन्नत जी जो है इसके पीछे बैठेंगी। बैठ के तो देखो, ओए गिरा दी बाइक, गिरा दी। शिट यार, क्या कर रहे हैं यार ये दोनों, यार बाइक गिरा दी यार, लगी तो नहीं, क्या कर रहा है ये। मैं अगर मधुदरो में जब लेके जा रहा हूं उतर ही जा रहे हैं। देख लो यार मेरी नई बाइक गिरा दी यार इन्होंने यार। चलो उठाओ बाइक उठाओ, चले देखते हैं कौन उठाता है, रोहन उठा पाता है कि नहीं। रोहन बाइक उठाने की कोशिश कर रहा है पर बाइक नहीं उठ रही। करो सीधी ये, चलो वेरी गुड।
दोनों ने मिलके भाई बाइक उठा ली। अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं इनको बाइक दे दूंगा दोनों उठा सकते हैं। अब मैं ना बैठती तेरे पीछे, तेरे भी लगा दी टांग पे यार। तेरे घर चलते हैं, साफ करते तेरा माथा। तो चलो गाइस, फाइनली रोहन ने अकेले बाइक चलानी सीख ली है। ठीक है, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अब तू स्कूटी लेके आ अपनी फटाफट। कमेंट सेक्शन को कमेंट करके फुल कर दो। रोहन ओपी, परफेक्टली समझाया आपने कि उसको राइडिंग करनी आ गई। देख, एक बारी मैंने उसको बताया कि ऐसे क्लच छोड़ना है। ओ भाई, लेके भाग गया स्कूटी। देख रहे हो भाई कैसे चला रहा है, इसका हाथ जो है ना भाई पूरा सेट हो गया है। आराम से भाई, आराम से। छपरी कैसे चला रहा है ये, मेरे से रेस लगा रहा है। हाँ भाई, परफेक्ट चला रहा है एकदम। तभी मैंने आज इसको बाइक दी थी क्योंकि मुझे पता है इसको स्कूटी बढ़िया चलानी आ गई है। हाँ जी जन्नत जी, अब तो आप मेरे साथ बैठोगे ही नहीं। ओ भाई, रोहन जन्नत जी को लेके भाग गया। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना, और कमेंट सेक्शन के अंदर रोहन ओपी जरूर लिखना। और भाई देखो, बाइक उसने बिल्कुल सेफ जगह पे चलाई है, आप लोग ये सब मत ट्राई करना। मैंने उसको बहुत ट्रेनिंग दे रखी है, हर चीज़ समझा रखी है, और सेफ जगह पे एकदम चलाई है। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बाय बाय जी नेशन, लव यू ऑल, से वाहेगुरु। सो गाइस, यहाँ आ गए हमारे जूस।